धौलपुर नगर परिषद की ओर से रोडवेज डिपो परिसर में सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका निर्माण पिछले एक साल से लगातार चल रहा है। इस निर्माण को लेकर रोडवेज डिपो के कर्मचारियों का आरोप है कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। घटिया निर्माण के चलते इसकी दीवारें अभी से खस्ता हालत में नजर आई। वही शनिवार को डिपो का कर्मचारी जब बाथरूम करने गया तो उसके लौटते ही निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिर गया और कर्मचारी जितेंद्र सिंह छाबड़ी ने इसकी शिकायत डिपो के अन्य कर्मचारियों से की तो सभी लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने मीडिया के सामने निर्माणाधीन इमारत की दीवार को हिलाकर दिखाया। ज्यादा हिलाने पर दीवार धाराशायी होकर गिर पड़ी। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि एक साल से इसका निर्माण चल रहा है, कभी काम बंद तो कभी चालू हो जाता है और ऐसे में बिल्डिंग पूरी तरह से सही नहीं बन पा रही। घटिया सामग्री से इसका निर्माण करवाया गया, अगर घटिया सामग्री से बिल्डिंग पूरी होती है तो ये कॉम्प्लेक्स कभी भी भरभरा कर गिर जाएगा और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुवल्लभ कॉम्प्लेक्स नगर परिषद धौलपुर द्वारा नवनिर्माणाधीन कार्य चल रहा है, इस पर अत्यंत घटिया सामग्री लगाई जा रही है। इसमें इसको ठेकेदार द्वारा धीरे धीरे बनाया जा रहा है, एक साल भर हो चली इसको। इसमें अभी 15 दिन पहले लेंटर डाला है। रात को हमारा एक बिजली कर्मचारी बाथरूम के लिए आया, उसके ऊपर ये लेंटर गिरा।